नमस्कार दोस्तों, 22 मार्च 2020 ये वो दिन था जब हम लोगों ने जनता कर्फ्यू को पूरी तरीके से सहयोग दिया। और मुझे मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में इस दिन सब लोग अपने अपने घरों में रहे होंगे, क्योंकि जनता कर्फ्यू का मतलब यही था कि जनता का कर्फ्यू, अपना कर्फ्यू अपने ऊपर, हर एक आदमी को आइसोलेट होकर अपने घर में रहना था। और काफ़ी न्यूज़ चैनल्स देखे गए तो उसमें पता चला कि ये काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन उसके साथ में ही कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिनको देख के ऐसा लगता है कि इस देश में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जो कि 5 बजते ही जो बात कही गई थी कि सबको घंटी बजानी है, थाली बजानी है और उन योद्धाओं का सम्मान करना है जो कि इस संक्रमण से हमको निजात दिलाने के लिए हमारे लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल प्रोफेशनल्स सब हमारे लिए काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, 5 बजे लोग थाली, लोटे, कचोले और भी ना जाने घंटियां क्या क्या लेके सड़कों पे निकल गए। काफी लोग हुजूम लेके है ना, जो ऐसा निकल गए जैसे कोई रैली है, कोई त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे वही तो नहीं करना था कि हम लोगों को एक साथ बहुत सारे लोगों को लेके भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है, भीड़ नहीं बनानी है, सब लोगों को अपने अपने घरों में रहना है। यही तो सुरक्षा का जो ये कवच था हमारे पास था और लोगों ने उसको भी ब्रेक कर दिया। अरे कब सीरियस होंगे हम, क्या 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 लोग इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, चाइना की तरफ मरेंगे तब सोचेंगे? अभी तक हमारे परिवार में से कभी किसी ने भी जान नहीं दी है, कोई भी कोरोना से मरा नहीं है, लेकिन जिनके परिवारों से कोरोना से संक्रमित लोग हैं वो उससे मिल नहीं पा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो उससे बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। लेकिन हम इससे बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कहीं बाहर जाके लड़ना नहीं है किसी से, कहीं किसी के ऊपर हमको हथियार से वार नहीं करना है। अगर कोई दुश्मन हमको दिखाई देता है, सरहद पे दिखाई देता है, तो हमारे पास में तोप है, बंदूक है, बम के गोले हैं, हम उससे मार सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा दुश्मन है जो कि बाहर खड़ा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब बाहर निकले और आपको दबोच ले। तो दोस्तों, अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सिर्फ एक ही उपाय है, अपने आप को आइसोलेट करके रखिए, अपने आप को अपने घर में रखिए और बाहर मत जाइए। तो कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो बाहर नहीं जाए, दूसरा बाहर वालों से मिले नहीं, तीसरा ये भी नहीं है कि आप अपने पड़ोसियों को अपने घर बुला ले, आप पड़ोसियों के घर चले जाए, आप रिश्तेदारों को अपने घर बुला ले या रिश्तेदारों के घर आप चले जाए, ऐसा कभी नहीं करना है। आज आपका डॉक्टर कोई दूसरा और नहीं, आपके डॉक्टर आप खुद हैं, आपके फार्मासिस्ट आप खुद हैं। इसके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमको एक दूसरे से अलग रहने की। और घर में भी अगर रहना है तो हमें ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को छूना है या एक दूसरे से के पास में जाके छींकना है, खांसना है, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। घर में रहिए, बार बार हाथ धोइए, स्वस्थ रहिए, साफ सफाई रखिए और बार बार हाथों को मुंह पे, नाक पे, आंखों पे ना लगाइए। किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, एक यही एक तरीका है। हम हर हिंदुस्तानी एक हीरो हैं और हीरो वो होता है जो कि किसी भी संकट से लड़ने में सबसे आगे रहता है। लेकिन यहां पे हमको किसी से फाइट नहीं करनी है, विलेन बाहर खड़ा है और हीरो आप खुद हैं। आप खुद अपने आप को हीरो समझिए और अपने आप को मौत से बचाइए, बाहर ना जाएं। मुझे मालूम है कि आपको संक्रमण नहीं हो सकता, आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप उस संक्रमण को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में आप मदद कर सकते हैं। इसलिए इस चैन को तोड़िए और इस चैन को तोड़ने के लिए मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि जो भी लॉकडाउन किया गया है, जो भी सरकारें बोल रही है, सरकार ने निर्देश दिए हैं, उनका सम्मान कीजिए। क्यों? क्योंकि आप रहेंगे तो हम रहेंगे और आप और हम रहेंगे तो ये देश रहेगा और ये देश रहेगा तो ऐसे ना जाने कितने और देश रहेंगे और ये संसार रहेगा। एक छोटा सा वायरस है, उस वायरस से लड़ने के लिए आप और हम मिलकर ये कसम खाते हैं कि हम जो भी हमारे बस में है
जो कर सकते हैं वो करेंगे। अगर हमारे को ये निर्देश दिए गए हैं कि हम हमारे घर में बंद रहें, तो आप सबसे निवेदन है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।